स्वागत है गाइज आपका एक और नई वीडियो में। यू नो गाइज की YouTube की तरफ से कभी कभी कुछ ऐसे अपडेट आ जाते हैं जो हमारे चैनल के लिए इतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन गाइज कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे अपडेट्स आ जाते हैं जो हमारे चैनल के लिए समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है चैनल को थोड़ा सा बूस्टअप करने में। तो वहीं पर गाइज आज का जो ये अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये समझ लीजिए ऐसे ही है, चैनल को गाइज बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। ये अपडेट अगर अपने चैनल पर गाइज जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा गाइज। ठीक है, तो यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे भी YouTube से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप अपना जो है YT स्टूडियो ओपन कर लीजिए, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ईमेल से लिंक कर लीजिए। ठीक है, तो चलो सीधे चलते हैं YT स्टूडियो पे। ओके गाइज, तो अपना जो है YT स्टूडियो ओपन कर लीजिए और नीचे आना गाइज आपको, चलिए मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी आप वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए आप, और इसमें मैं आपको पूरा जो है अपडेट आपको दिखाता हूँ। गो टू एनालिटिक वीडियो पे क्लिक करेंगे और गाइस सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक जो नया अपडेट आया इसमें जुड़ा है हाउ व्यूअर फाउंड दिस वीडियो, जो नई ऑडियंस होगी आपके जो वीडियो पे वॉच करेगी वो कौन कौन से कैसे कैसे वॉच आया है ये देखते हैं। देखिए यूट्यूब रिकमेंडेशन, मतलब ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया है इसका थंबनेल गाइस बहुत ही अच्छा है, इसीलिए YouTube ने बहुत सारे लोगों को हमारी वीडियो जो है रिकमेंड किया है। हमारे वीडियो का SEO टाइटल सब अच्छा है इसीलिए हमारे वीडियो को रिकमेंडेशन किया है। ठीक है, तो और यहाँ पे गाइस दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं डायरेक्ट और अननोन, यहाँ की यानी कि डायरेक्ट भी आई है और अननोन के तरीके से भी यहाँ पे ऑडियंस जुड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे गाइस तीसरा ऑप्शन आपको मिल पा रहा होगा YouTube सर्च से। गाइस YouTube सर्च से नई ऑडियंस तभी आती है जब आपके वीडियो का SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है अच्छा होता है, तभी आपकी वीडियो पर नई ऑडियंस जुड़ती है और तभी आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आता है। जब तक आपका SEO अच्छा नहीं होगा तब तक आपका जो है वीडियो सर्च लिस्ट में नहीं आएगा, इस बात का गाइस ध्यान रखिए। नोटिफिकेशन से देख सकते हो आया है और अदर से अदर सोर्स से आया है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से गाइस आप अपनी वीडियो का एनालिटिक चेक कर सकते हैं। चलिए गाइस मैं आपको दूसरी वीडियो ओपन करके दिखा देता हूं, उसमें भी कुछ नया ही फीचर ऐड हुआ होगा क्योंकि हर वीडियो का जो है एनालिटिक अलग अलग होता है। तो ये मैंने गाइस दूसरा वीडियो ओपन कर लिया है और यहाँ पर नीचे मैं आ रहा हूँ तो आप लोग देख पा रहे हो इसमें भी हमारा जो है वीडियो को YouTube ने रिकमेंडेशन किया है, यानी कि रिकमेंडेशन से हमारा 89 व्यू आया है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस मैंने इस पर भी थंबनेल बहुत ही अच्छे से लगाया था जिसकी वजह से YouTube ने हमारे वीडियो को रिकमेंड किया है, मतलब। ठीक है, और यहाँ पे गाइस सर्च से भी देख सकते हैं, चैनल पेज से भी देख सकते हैं और सब्सक्राइबर फीड, मतलब यहाँ पे गाइस नई ऑडियंस जब आती है आपके वीडियो को वॉच करते हो सब्सक्राइब करती है तो ये सब्सक्रिप्शन फीड लिख के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आप अपने एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं और साइड में गाइस थोड़ा सा आप बढ़ेंगे तो रीच का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप यूट्यूब सर्च में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो जो है किन किन लोगों ने सर्च किया है, क्या क्या टाइटल सर्च किया है, जो आपने टैग और थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में लगाया होगा वो चीज़ यहाँ पर लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस ये होगा कि आप नेक्स्ट वीडियो को भी अपलोड करते हैं तो ये टाइटल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, मतलब ये जो टैग वगैरह हैं सब इसको कॉपी करके आप अच्छे से अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल हो जाता है गाइस यहाँ पे जो अपडेट है, और इससे हम लोग देख के नेक्स्ट वीडियो गाइस मतलब उसमें SEO अच्छा से कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइस यूट्यूब सोर्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, सजेशन से आप देख सकते हैं। सजेशन गाइस तभी आपका अच्छा होगा, मतलब यूट्यूब भेजेगा जब तक आपका थंबनेल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गाइज कोई भी नई ऑडियंस आती है तो थंबनेल में ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है तभी वो आपको क्लिक करेगी। ठीक है, तो यहाँ से गाइज देख सकते हो यहाँ पे परसेंटेज में दिया है कि किस तरीके से आपने टैग टाइटल और डिस्क्रिप्शन सब लगाया है जिसके वजह से यूट्यूब ने आपकी वीडियो को सजेशन में भेजा है यानी कि नई ऑडियंस तक पहुँचाया है। तो ये गाइज कुछ अपडेट है, तो आई होप आप लोगों को ये अपडेट पसंद आया होगा। और गाइज यहाँ पर एक और छोटा सा अपडेट आया है, देख सकते हो आप, पहले क्या सीन था कि कोई भी ऑडियंस अगर कमेंट करती तो ये नहीं पता चलता था कि कौन सी वीडियो पर कमेंट करिए, तो साइड में आप वीडियो भी देख सकते हो तो इसमें ये अपडेट में ये नया अपडेट जुड़ गया है। देखा गाइस ये जो मैंने अपडेट्स बताए हैं गाइस, अगर आप ये सारा एनालिटिक आप अगर अपने चैनल पे करते हैं तो डेफिनेटली गाइस व्यू आएगा, सब्सक्राइबर आएगा। आप खुद से सोचिए कि हमारे जो वीडियो है ऑडियंस है सजेशन में कहाँ जा रहा है, लोग देखना क्या चाहते हैं, हमारे चैनल से रिलेटेड लोग कहाँ पे सर्च करें, यूट्यूब हमारे वीडियो को कहाँ सजेशन दे रहा है,
किस वीडियो में थंबनेल चेंज करना है, किस वीडियो में नहीं चेंज करना है, ये सब सारा गाइज आप लोग करोगे तभी वीडियो को थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा। क्योंकि ऐसे ही वीडियो अपलोड कर देंगे तो हम लोगों की वीडियो नहीं चलेगी, चलने वाली नहीं है। क्योंकि ऑडियंस जो है गाइज देखना क्या चाहती है, हम लोग दिखाना क्या चाहते हैं, उस चीज़ पे गाइज हम लोगों को काम करना होगा। और आज के दोनों अपडेट है गाइज, अब इस अपडेट से गाइज आप लोग अच्छे तरीके से हर वीडियो गाइज यहाँ पे देख पाओगे। पहले क्या सीन होता था गाइज कि जब भी हम लोग वीडियोज़ को अपलोड करते थे तो वहाँ पे 24 घंटे में पूरा एनालिटिक्स शो होता था, लेकिन गाइज इस अपडेट से जैसे आप वीडियो पब्लिश करोगे तो तुरंत गाइज आप ये शो कर सकते हो कि हमारी वीडियो कहाँ सजेशन में जा रही है, कितना परसेंट लोगों ने यूट्यूब सर्च से व्यू आया है और कितने सब्सक्राइबर फीड से आया है, ठीक है, अदर से कितना आया है, तो ये सारा गाइज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है गाइज। अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो अपने YT स्टूडियो को अपडेट कीजिए और एक दो दिन में आपको मिल जाएगा। अपडेट जो है ये सबके चैनल पे तो सबको नहीं मिल जाते, धीरे धीरे सबको एक एक करके मिलता है, ठीक है। तो गाइज कैसा लगा अपडेट गाइज कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में गाइज इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपने गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइज वीडियो को लाइक करते जाना और एक सब्सक्राइब भी करते जाना है, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।